हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज घर वालों की फरमाइश हुई है समोसों की लॉकडाउन में, तो चलिए देखते हैं, समोसे ढूंढते हैं जो कि बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि कोई समोसे वगैरह बना नहीं रहा है इस टाइम पे। पर घर वालों की फरमाइश है तो जाना तो पड़ेगा। ढूंढ के आते हैं और बताते हैं, देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो मेरे साथ इस मोटो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, मैं निकल गया हूँ दोबारा घर से, और ये सैम्पल वीडियो आप लोगों के लिए शूट करने आया हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे का एंगल सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा। इसकी वजह से वीडियो इतना अच्छा नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं घर से निकल गया था समोसे लेने के लिए, देखता हूँ कि समोसे मिलते हैं कि नहीं। समोसे की तलब लग रही है लोगों को घर में। और जय श्री राम। लॉकडाउन वैसे लगने तो वाला नहीं है, आगे एक्सटेंड नहीं होगा, खुल जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, तो इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। देख सकते हैं हॉस्पिटल रोड आ चुका है। मेरे राइट में शीतला माता मंदिर है। एकदम सुनसान पड़ा हुआ है रोड, कोई है ही नहीं। दुकान तो खुली हुई है, पता नहीं बंदा समोसे बना रहा है कि नहीं। नहीं, समोसे हैं बने हुए तो। देखते हैं समोसे मिलते हैं कि नहीं गाइस। यहाँ पे समोसे हैं गाइस, समोसे तो मिले नहीं है, अब क्या करें। अभी यहाँ से समोसे एक्चुअली बंदा बना है, बना भी नहीं। बंदा बना भी नहीं रहा है समोसे। हाल ही ऐसा है कि क्या बंदा समोसे बनाएगा।
बाकी दिन भर की बात इतनी है यार कि बोर हो रहे घर में, कोई काम है नहीं करने के लिए। ऐसे काफी सारे काम है लेकिन जाए काम घर से। अब ये गाड़ियाँ खड़ी है और बंदे ने साफ सूफ कर दी है। बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया, कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा कि मतलब समोसे वमोसे तो मिल नहीं रहे हैं, क्या खाएं, कहीं ब्रेड पकौड़ा वगौड़ा मिल सकता है कि नहीं मालूम नहीं है। आगे एक दुकान और है, यहाँ पे यहाँ तो बंद है दुकान। यहाँ एक अग्रवाल स्वीट्स था, ये तो बंद पड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन हो गया है लाइफ का। क्या कर सकते हैं, इतनी स्लो हो गई है लाइफ, पर फिर भी हम तो बाइक पे मस्ती मार रहे हैं। हेलो बेबी, हाउ आर यू। तो यही है जिंदगी में, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए हारो मत। एक हमारे तेजिंदर सिंह पनवार जी हैं, उनके बेचारे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ बन के मदद कर रहे हैं लोगों की, उनकी भी वो भी एक लेजेंड ही हैं, उनको एक सल्यूट करना ही पड़ेगा। बहुत ही बहादुरी से वो सबको बचा रहे हैं वहाँ पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है किधर से जाऊँ। एक्चुअली सारी लाइटें भी रोडों की बंद कर दी हैं, देख सकते हैं हम कितना अंधेरा है। तरफ दिखा के लाता मेरा उदीन की तरफ, ये देखो निशान की तरफ। और ये देखो यहाँ पे ये डोमिनोज भी बंद पड़ा है, मैं भी पीछे से ऑपरेशनल होगा। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का हाल है।
सुनसान, कोई यात्री नहीं आ रहा है दिल्ली की तरफ। ये देखिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा है। अरे मैं पार्किंग घुस गया था गलती से, मुझे पार्किंग में नहीं घुसना है। और ये देख सकते हैं सामने कमसम है, ये टूट गया जाने पता नहीं, इसमें आग लग गई। और ये रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा, भीड़ है पर भीड़ बहुत कम है। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं बिल्कुल खाली, सब खाली। फिर भी ट्रेनें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेनें रुक गई हैं। मैं तो यारो अपने घर से थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए निकल जाता हूँ घर से, वरना तो यार बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी तबीयत। थोड़ी लाइटिंग ठीक है क्योंकि ये रिंग रोड है, दिल्ली का आउटर है, तो रिंग रोड पे तो लाइट मस्त है क्योंकि सारी ट्रैफिक की मूवमेंट, हैवी गुड्स की मूवमेंट इस रोड पे रहती है। और मेरा एक्सीडेंट भी इसी स्पॉट पे हुआ था, एग्जैक्टली यही जगह है। पता नहीं, मुझे बस भगवान ने ही बचा लिया, बाकी मेरे कुछ अपने भी हैं जिन्होंने मुझे बचाया है। सबका आभार है दोस्तों दिल से, जिसने भी मेरे लिए जो भी किया, क्योंकि तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊँगा। देख सकते हैं लाजपत नगर की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि आगे जाने का कोई मीनिंग नहीं है। ढूंढता मैं समोसे फिर रहा हूँ, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। पिछली बार तो लॉकडाउन से उभरे यहाँ पे कुछ सरदारों ने फूड जॉइंट वगैरह खोल दिए थे, अब की बार तो वो भी गायब हो गए क्योंकि कोई खाने के लिए है ही नहीं, तो दुकान खोल के करेंगे क्या। और फिर से इंडिया गेट की तरफ, यहाँ पे एक अग्रवाल स्वीट है, देखते हैं वो खुल रहा है कि नहीं। नो मैन नो, तो बस फिर मैं आपको घर पहुँच के मिलता हूँ।
तो गाइस आप देख सकते हैं मैं घर आ चुका हूँ और यार मुझे कोई समोसे वमोसे मिले ही नहीं दिल्ली में। मतलब दिल्ली में क्या, खैर साउथ दिल्ली में मैं रहता हूँ और मुझे कोई समोसे वहाँ पे मिले ही नहीं। तो लॉकडाउन में समोसे खाना ही मुश्किल हो गया और इसकी एवज में आप लोगों के लिए 10-15 मिनट का मोटो व्लॉग बन गया है। उसी को देख के इंजॉय कर लीजिए और देखिए कि दिल्ली के अंदर कितनी ज़्यादा दहशत फैली हुई है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टे होम स्टे सेफ, अगर ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें वरना घर ना जाएं। पूरे प्रोटेक्शन का यूज़ करें, हाथ सैनिटाइज करें, फेस मास्क लगाएं, अगर कहीं भीड़ भड़के की जगह में जा रहे हैं तो पीपी किट पहने, अगर वो संभव ना भी हो सके तो आप अपने कपड़े तुरंत आके घर में उतार कर वॉशिंग मशीन में डाल कर उनको एक अच्छे डिटर्जेंट से वॉश कर लें ताकि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो सके। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो उनके ज़्यादा नाक मुंह में हाथ ना डालें और ज़्यादा उनकी चुम्मा चाटी ना करें, वो चीज़ सही नहीं है यार, दिक्कत पड़ जाएगी भाई, समझ जाओ इसलिए। और भाई भाई को सपोर्ट कर सकते तो करो, बाकी हम तो आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते ही रहेंगे। और बताना चाहिए तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, उसमें बताइए किस तरीके के वीडियो चाहिए, आपका भाई आपके लिए ले आएगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।